नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक वैसे ही एक नेगेटिव विचार आपके पूरे दिन को खराब करने की ताकत रखता है। काश मैंने ये काम ना किया होता, काश मैंने वो गलती ना की होती, काश मुझे वो समय कुछ समझा देता तो आज मैं पछता ना रहा होता। दिमाग की फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि वो हमेशा भूतकाल में ही भटकता रहता है और उससे बुरी बात हमेशा पुरानी और बुरी बातों को याद करता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ हमेशा बुरा ही हुआ है, बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई होंगी, लेकिन याद हमेशा बुरी बातें ही आती है, आपको अफसोस करवाती है, आपको बुरा महसूस करवाती है। आप समझ जाइए कि आपका मन आपके साथ खेल खेल रहा है, ये मन की फितरत होती है और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो समझ जाइए आप वर्थिंग की शिकार बन चुके हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और वह शैतान है हमारे निगेटिव विचार, जिनका घर बन चुका है हमारा यह दिमाग। जिन लोगों को भूतकाल की चिंता नहीं होती, उन्हें भविष्य की चिंता सताती रहती है, आगे हमेशा बुरा ही होगा, ऐसी बातें मन में आती रहती है। और ये चीजें आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसकी वजह से आप अपना वर्तमान बिगाड़ देते हो और आपका वर्तमान ही आपका भविष्य बनाता है। व्यर्थ में अधिक विचार करना वो दीमक है जो आपकी जीवन की नींव को कम कोकला कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचना बंद कर दो, जिंदगी में हर काम को सोच समझ कर ही करना चाहिए, पिछली गलतियों से सीखना भी चाहिए और आने वाले भविष्य की प्लानिंग भी करके रखनी चाहिए। लेकिन कभी इतना ज्यादा मत सोचना चाहिए कि आप किसी काम को शुरू ही ना कर पाओ, इतनी ज्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि आप चिंता करते करते ही खत्म हो जाओ। पिछली गलतियों से सीखने की बजाय उन गलतियों को याद कर करके रोते रह जाओ। ये यो गलती है जो आजकल हर कोई कर रहा है, हम सब जानते हैं, फिर भी हम बस निगेटिव विचारों में ही डूबे रहते हैं, निगेटिव चीजों के बारे में ही सोचते रहते हैं। न जाने हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि हमारे साथ पहले जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ था और अभी भले ही जो कुछ हमें बुरा लग रहा है, आगे चलकर पता चल जाएगा कि वो भी अच्छे के लिए हुआ है। किसी ने खूब कहा है, जिंदगी को अगर समझना है तो पीछे मुड़कर देखो, और जिंदगी को अगर जीना है तो वर्तमान में चलकर देखो। हर नई शुरुआत इंसान को डराती जरूर है, लेकिन पर याद रखना, मुसीबतों के बाद ही सफलता हाथ लगती है। जो लोग बड़े सपने देखते हैं, जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं, वो परिस्थितियों की फिक्र नहीं करते, ना ही डर कर बैठ जाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन बदलना चाहते हैं तो सोचने पर कामयाब कर रखे, और अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है तो आपको दूसरों से अलग बनना होगा। आपको वो गलती नहीं करनी जो हर कोई कर रहा है। विचारों के जेल में तो आज कोई हर बंद रहता है, लेकिन आपको जेल को तोड़कर खुद को बाहर निकालना होगा। जो हो चुका है उसे आपको बदल नहीं सकते, जो होने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके जो कर्म कर रहे हैं वो आपके हाथ में है। इसलिए अपने कीमती समय को सोचने में पछताने में मत गवाओ, नहीं तो सोचते रह जाओगे और कोई और मौके का फायदा उठा कर ले जाएगा और फिर आप वापस से अफसोस करोगे कि काश काश उस समय में वह काम कर लिया होता। किसी ने क्या खूब कहा है कि ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, लड़ना पड़ता है जिंदगी से हर दिन, बैठे बैठे सोचकर कोई सिकंदर नहीं बनता। जो करना है वो कर डालो, जरूरत से ज्यादा मत सोचो, क्योंकि करने वाले कर जाते हैं और सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं। याद रखे, फालतू के विचार हमारे दिमाग की उपज होती है और ये हमारे दिमाग में तब आते हैं जब हम अकेले होते हैं, जब हमें समझाने वाला कोई नहीं होता। ये हमें ज्यादा नहीं सोचना है, लेकिन इसीलिए अब समय आ गया है, आपको खुद को समझाना होगा, खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि जब भी दिमाग में कोई निगेटिव या फालतू का विचार आए तो खुद से कहना होगा, आखिर क्यों डरे, जिंदगी में क्या हो, तू सोचते हो हर वक्त की बुरा ही होगा, तुम तो बढ़ते रहो मंजिल की तरफ, कुछ ना भी मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। निडर बनो, बेखौफ बनो, हिम्मत से चलो, सफलता तुम्हें ही मिलेगी। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, ज्यादा सोचने कोई बीमारी नहीं, ये कोई खराब बात भी नहीं। याद रखिए, जब तक सोचेंगे नहीं तब आपके दिमाग में नए विचार कैसे आएंगे, नए नए आइडियाज कैसे आएंगे। लेकिन हमें हमें दिमाग से जिन चीजों को हटाना है वो है निगेटिव विचार, हमें निगेटिव ओवर थिंकिंग को खत्म करना है, केवल पॉजिटिव सोचना है। जिस दिन आप हर चीज में पॉजिटिव देखने लग जाएंगे, आपके जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। अगर वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।